राफेल सौदा हो या फिर कांग्रेस परिवार, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जब संसद में बोलते थे तो विपक्ष की जहां बोलती बंद हो जाती थी, वहीं पार्टी भी उनके भाषणों को सुनने के लिए शांत हो जाती थी। उनका एक भाषण जो उन्होंने संसद में दिया था और ये बताया था कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी केवल पैसों के गणित को ही समझती है, उसे देश के विकास से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने अपने भाषण में जब राहुल पर तंज कसते हुए बताया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करती है। कांग्रेस पार्टी विच हैज इन द पास्ट बीन हेडेड बाय ग्रेट लेजेंड्स इज टुडे हेडेड बाय अ जेंटलमैन हु डजंट इवन हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इज। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड नेशनल सिक्योरिटी, they only understand paisa, to use his own word. उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। मेरा ये आरोप है कि यूपीए सरकार ने इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की। 2001 से फौज मांग कर रही थी और 2012 में मंत्री जी लिखते हैं कि मैं रफाल को मंजूरी देता हूं, लेकिन जिस प्रक्रिया से यह तय किया है उसके ऊपर पुनः विचार किया जाए। ये 2012, 2014 तक कुछ नहीं हुआ। संसद में राफेल में चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाते हुए बताया कि किस तरह से उनकी पार्टी ने जो सौदा किया है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए सौदे से 20% कम है। उन्होंने भाषण में राफेल पर कांग्रेस पार्टी को कुछ इस तरह से दिखाया आईना कि बेसिक एयरक्राफ्ट का दाम 2016 की तारीख में यूपीए के दाम से 9% सस्ता था, वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट का दाम यूपीए के दाम से 20% सस्ता था, और कम से कम उस समझौते को एंटनी साहब से आप समझ लेते। यूपीए का जो समझौता था कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर करोगे तो 11 साल लगेंगे सप्लाई करने में। द जजमेंट सेज वी आस्क फॉर द प्राइस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द कॉन्शियस ऑफ द कोर्ट, द गवर्नमेंट प्लेस द प्राइस बिफोर अस, वी ओपन द एनवेलोप, वी रेड द प्राइस एंड आफ्टर गोइंग थ्रू इट वी डोंट थिंक इट इज अ केस वेयर वी वुड लाइक अ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द प्राइसिंग एट ऑल। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्शियस सेटिस्फाई हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुनावी जरूरत उससे सेटिस्फाई नहीं हुई। जेटली ने कांग्रेस की राफेल डील पर बताया था कि जब उन्होंने ये डील की थी तो उन्हें भारत लाने में कितने साल लगेंगे और आखिर क्या होगी इसकी हालत। 58,000 करोड़ का पूरा डील है, ऑफसेट हुए 29,000 के अगले 10 साल तक टोटल, उसमें 100-120 ऑफसेट सप्लायर होंगे। जिस कंपनी का नाम लिया गया, डसॉल्ट ने कहा हम उनसे 3-4% खरीदेंगे, 3-4% बनता है 800 करोड़। उस 800 करोड़ को कह दो वो ऑफसेट सप्लायर है, राहुल जी मानते हैं कि वो रफाल का मैन्युफैक्चरर है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।